देखा डिफिकल्ट सवाल। ये कट कर देना। डिफिकल्ट सवाल है। नहीं लगता है कि लड़की को ना मर्द बन के ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी मर्द ही मेरे क्या है। ऑलरेडी मर्द हो जी। ऐसी बातें ऑन द कैमरा नहीं बताई जाती। ये तीन गोलगप्पे खा के रही है अभी पीछे से। अब तो नहीं, मेरी तो पिटीशन ये है कि औरत सिर ते दुपट्टा होना चाहिए है, नकाब करके टुरना चाहिए है, भावे चाहे शहर की हो चाहे अपने घर की इज्जतदारी हो। जो नहीं करती वो तो अल्लाह उससे पूछे, लेकिन वो गलत औरत है। मैं तो कहनी है क्यों जो साढ़े सलाम ने फरमाया ना। मेरी बात सुने, अब आप एक औरत को कहें इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, ये गलत औरत है, ये आप कैसे कह सकती हो किसी को? एक मिनट सुने, बुरा मान जाती है। नहीं, बुरा मान जाती, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को दुपट्टे की बेसिस पे जज करो। कहती नहीं है, मुझे पता है माशरा ही ऐसा है, वो नहीं किसी की मानता। तो सुनते हैं जब कि इस्लाम ये इजाज़त देता है दूसरी औरत से शादी करने को और बीवी की इजाज़त लेने के बगैर ही दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है, तो आप समझते हैं ये जुल्म है। साथ इस्लाम ये भी कह रहा होता है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, वो इंसाफ किस तरीके का है, कितना है कि आप एक औरत के घर सुरमा लगा गए हैं, दूसरी औरत के घर आप सुरमा लगाए बगैर नहीं जा सकते, इतना जो है वो इंसाफ करना पड़ेगा। तब अगर आप इतना इंसाफ कर सकते हैं तो तब इस्लाम इजाज़त देता है दूसरी शादी की, ठीक है, और अगर आप इतना इंसाफ कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बीवी नाखुश है फिर जी, इसमें देखें कि शरीयत ने मुझे हक दिया दो शादी चार शादियां करने, ठीक है, आपको शरीयत ने हक दिया है जी जी। आप पर आपकी बीवी का भी तो कोई हक है ना, या आप अपनी बीवी का भी अपने पर हक नहीं समझते हो, बताओ जी। मेरी बीवी का जो हक है मैं उस हक को। आपकी बीवी अगर ना खुश है आपकी दूसरी शादी से तो क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी कि जो दूसरी शादी को पसंद करे, ठीक है। फिर आप क्यों चाहते हैं दूसरी? आप एक बीवी से खुश नहीं है? अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप ओस देखें इस दुनिया में कि लड़कियों की ज़्यादा या लड़कों की, ठीक है, और हर घर में तकरीबन लड़कियां ज़्यादा हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग रिश्तों की वजह से कितने परेशान हैं, बताएं मुझे। अच्छा, तो एक मर्द अब यहाँ पर दो दो से शादी कर ले, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, दो अब मर्दों की तादाद ऐसा ऐसा और भी कम हो रही है, ठीक अच्छा, है तो मर्दों की तादाद कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप शादियों पे शादियां करेंगे? इवन आपकी अगर बीवी इस चीज से नाराज है। गलत ट्रैक पर चल रहा है। क्यों गलत ट्रैक पर कैसे चल रहा है? के पहले वहाँ पर पर्दा था हर चीज थी, अब खुली बेहयाई हो रही है। बेहयाई क्या मतलब? अगर पर्दा नहीं करेंगे तो वो बेहयाई हो गई तो और क्या है? अच्छा। बगैर दुपट्टे के लड़कियां फिर रही है तो बेहयाई है। वो अपना नेशनल डे कैसे मना रहे हैं आपने नहीं देखा लास्ट टाइम? ये उनकी अपनी मर्जी है, एक औरत अगर पर्दा करे नहीं करे ये उसकी अपनी मर्जी है, आप किसी को पर्दे के बेसिस पे बेहया कैसे कह सकते हो? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, इसको यहाँ पर ही कैंसिल। आप मुझे बताएं ना, ऐसे तो आप एक बात कर रहे हैं, ऑडियंस को उसका ऑडियंस को रीजन भी जाननी होती है ना। तो आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने कितना मतलब कर दिया हुआ है, हर चीज ओपन कर दी है। क्लब थे नहीं, क्लब ओपन हो गए हैं, नाइट्स क्लब ओपन हो गए हैं वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि कहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे मार्च पास होती है, वुमेन राइट्स वुमेन्स को राइट्स नहीं देते, कहाँ नहीं दिए जाते? मुझे तो ये समझ नहीं आती, मैं खुद वुमेन हूँ, मिलते हैं राइट्स, मिलते हैं। रात को घर से अकेले निकल सकते हो बाहर? बिल्कुल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। हाँ, किसी को साथ नहीं लेके जाए, ना लेकर जाए, क्योंकि अगर आप मर्दों में निकल रहे हैं तो आप मर्द बन के निकले ना। क्यों? ये चीज वेरी गुड, वेरी गुड। आप औरत बन के क्यों निकल रही हैं? पता क्या, यहाँ औरत को ना वीक खुद करवाया जाता है। औरत बनती है और वो चाहती है कि मैं नाजुक बनूं, लोगों को लगे कि मैं बहुत नाजुक कली हूं। क्यों? आप मर्दों में जा रहे हो, 100 बंदों में काम कर रहे हो तो मर्द बन के काम करो ना, फिर मैं देखूंगी कौन कैसे आप पे बात करता है। अगर कोई मर्द बदतमीजी कर दे, रेप कर दे तो दो चुपेड़े लगाओ, अल्लाह ने हाथ किस लिए दिए हैं? और मैं तो कहती हूँ वुमेन को डिफेंस आना चाहिए, हर बच्ची को जिमनास्टिक सीखना चाहिए और अपने डिफेंस में उसको लड़ना आना चाहिए, ताकि वो जो है अपने। आप जिस बंदे ने चार शादियां की हुई हैं उसकी चारों बीवियों से पूछ लें, ठीक है, वो चारों कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश हैं, ठीक है। आपको कैसे पता, आपने सर्वे किया है? जी बिल्कुल किया है, क्योंकि मेरा रिलेशन जो है वो तकरीबन उलमा से ही रहा है, ठीक है, और मेरे अक्सर जो साजदा के नाम है उन्होंने दो दो तकरीबन की हुई हैं, और मैंने देखा है कि उन दोनों के साथ ही उनका बहुत अच्छा। दो शादियाँ की हुई हैं? जी जी। पहली वाली की मर्जी से की थी या खुद ही कर ली उन्होंने? जी अभी जब मेरे एक उस्ताद से हाल ही में उन्होंने दूसरी शादी करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा। शादी करनी थी दूसरी? मेरे उस्ताद हैं,
ठीक है। आपके उस्तादों ने अगर दूसरी या तीसरी शादी की है, ठीक है, वो उनका अपना फेल है, वो जो भी कर रहे हैं, क्या पहली बीवियों की मर्जी से कर रहे हैं शादी या खुद ही कर रहे हैं कि हम मर्द हैं हम कर नहीं कर। ये बताएं, आपने बोला वो गंदी औरतें होती है, मैं यहाँ सड़क पे खड़ी हूँ, मेरे गले में दुपट्टा है, मैं गंदी औरत हूँ? नहीं, आपका तो ये शोभा है, आप मेरे ख्याल से हकीकत हमारे भी जिस्म से भी ज़्यादा आप पाक हो, लेकिन ये बात कर रहे हैं आप सब एक जैसी तो नहीं होती। लाहौर में बड़ा माशरा मैंने देखा, बुढ़ी तो बुढ़ी औरत है, वो फ्राक पहनी होती है, पजामे पहने होते हैं, वो सर पे दुपट्टे रखे होते हैं, चश्मा यहाँ रखे होता है, उनकी अपनी मर्जी है ना, आप किसी को कैसे ही जज कर सकते हो? गांव के रहने वाले हैं ना, इसलिए गांव के माहौल में बहुत सी चीजें आती है, तो अब देखें, अब मैं कहूँगी मैंने एकदम से चेंज लाना है, मैं सारे चेंज एकदम से नहीं ला सकती, कैटेगराइज करूंगी उनको कि पहले मैं ये चेंज लाऊंगी फिर मैं ये चेंज लाऊंगी। जैसे मैं हिजाब नहीं करती थी, मैंने अब हिजाब करना शुरू किया, आगे पर्दा करना शुरू करूंगी, मैं वही आपको कह रही हूँ कि कैटेगराइज करता है, इस्लाम बहुत वसी है, हम इस्लाम में आ ही नहीं सकते, हम बस कहने के मुस्लिम है, वरना हम लोग मतलब हम लोग वो चीज़ें इंप्लीमेंट अपने पे कर नहीं सकते जो इस्लाम में है। किस्म के लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती। हज़रत पाक ने फरमाया जो देवर है यासीन का सांप है, ठीक है, जब शरीयत ने हमें कहा कि देवर यासीन का सांप है, देवर अलग रहेगी अलग रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से इक्तदार संभाला है उसके बाद से सऊदी का पूरा नक्शा बदल गया है, बहुत सी मॉडर्नाइजेशन हुई हैं, पॉलिसीज अपडेट हुई हैं, विमेन एम्पावरमेंट हुई हैं, बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सऊदी के अंदर आई हैं और सऊदी की पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी पहचान बनती जा रही है। अब ये खबर आपको मैं बताती हूँ, मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि सऊदी अरेबिया की लगभग 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री होगी सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स की। वो इसीलिए क्योंकि सऊदी के अंदर अब मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात सऊदी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिसके बाद उनकी इंगेजमेंट पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान से पहले जिनके इक्तदार रहे थे तब सऊदी की इतनी ठाट पूरी दुनिया में नहीं होती थी, ये कहना गलत नहीं है। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या ख्याल रखती है? सऊदी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, शरीयत अभी भी वहाँ पर नाफिज है, लेकिन वो दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहे हैं, तमाम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को मजबूत करे, और अब तो भाई 59 कंट्रीज़ में उनकी वीज़ा फ्री एंट्री होगी। अवाम क्या राय रखती है इस बारे में? क्या उनकी मॉडर्नाइजेशन से, क्या उनकी अपडेटेड पॉलिसीज से पाकिस्तानी अवाम खुश है या नहीं? बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अभी इस बारे में सिर्फ ये यूट्यूब पे वैसे ही मशहूर हुआ है, इस बारे में कंफर्म नहीं है। अरब न्यूज़ का आर्टिकल है, अरब न्यूज़ पाकिस्तान का आर्टिकल है, ऑफिशियल है, 59 कंट्रीज़ ने उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। उनके लिए की होगी, पाकिस्तान के लिए की करें तो फिर अच्छा है ना। अब दुबई ने हमारे सबके पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए हैं। अच्छा। वो क्यों बंद किए हैं कि वहाँ पर ये विजिट वीज़ा पे जाते थे मांगने के लिए, लोग मांगने के लिए जाते थे दो महीने का, यहाँ पर पाकिस्तान में कम मांगे जो वहाँ जाके मांग रहे हैं। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, 6 साल से मैं दुबई में हूँ। अच्छा। और वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। अच्छा। उसके वीज़े आपने कभी देखा किसी को मांगते हुए? बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, उसके अलावा मिस्र, इजिप्त बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल सही सर, लेकिन अब सऊदी अरब के लिए कर दिया उन्होंने वीज़ा फ्री, और मैं अपना भी देख रही थी, हमारा है लगभग 14 से 15 कंट्रीज़ में, वो भी सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं आप, सऊदी अरब पूरी दुनिया में कैसे आगे जा रहा है अब? सऊदी अरब फिर अरबिक मुबालिक है, उनके पास तेल है, हर चीज़ है, पैसे है, हमारे मुल्क में क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क के लिए करें तो अच्छा है ना। मोहम्मद बिन सलमान को जानते हैं आप? जानता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान के आने से पहले इतनी तरक्की नहीं की थी सऊदीया ने, अब जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान औरतों को हकूक दे रहे हैं, आगे बढ़े हैं, मॉडर्नाइज पॉलिसीज करवा रहे हैं, वहाँ शोज करवा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया में सऊदीया की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वो सही बात है, लेकिन आप ये चीज़ भी तो देखें ना कि वहाँ पर सऊदीया में क्लब वगैरह नहीं थे कुछ भी, अब हर चीज़ वहाँ पर खुल रही है, जैसे दुबई में माहौल था वैसी वो सऊदीया में भी कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया के अंदर शरीयत है? शरीयत के मुताबिक तो ये पाकिस्तान वाले भी कहते थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, कहाँ बनाई है किसने? मदीना? नहीं, हाँ रियासत मदीना बनाने वाला जेल में है, 10 साल की सजा हो चुकी है उसको, उसी को तो वर्ल्ड लाने की कोशिश में है लेकिन नहीं आ रहा वो। अच्छा, नहीं आ रहा। क्या कहते हैं आप, सऊदीया सही ट्रैक पर चल रहा है?
गलत ट्रैक पर चल रहा है। गलत ट्रैक पर कैसे चल रहा है? पहले वहाँ पर पर्दा था, हर चीज थी, अब खुली बेहयाई हो रही है। बेहयाई क्या मतलब? अगर पर्दा नहीं करेंगे तो वो बेहयाई हो गई तो और क्या? बगैर दुपट्टे के लड़कियां फिर रही हैं, तो बेहयाई है। वो अपना नेशनल डे कैसे मना रहे हैं, आपने नहीं देखा लास्ट टाइम? ये उनकी अपनी मर्जी है, एक औरत अगर पर्दा करे या नहीं करे ये उसकी अपनी मर्जी है। आप किसी को पर्दे के बेसिस पे बेहया कैसे कह सकते हो? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, इसको यहाँ पर ही कैंसिल आप मुझे बताए ना। ऐसे तो आप एक बात कर रहे हैं, ऑडियंस को उसका ऑडियंस को रीजन भी जाननी होती है ना। तो आप ये भी तो देखे ना कि उन्होंने कितना मतलब कर दिया हुआ है, हर चीज ओपन कर दी है। क्लब थे नहीं, क्लब ओपन हो गए हैं, नाइट्स क्लब ओपन हो गए हैं वहाँ पर। तो क्या हो गया? तो क्या ये बेहयाई है? पाकिस्तान के अंदर नहीं है क्लब, पाकिस्तान में है। जो उन्होंने रियाद के अंदर शराब खाना ओपन करने का कहा वो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए कहा था, और वो भी मखसूस क्वांटिटी रखी थी। नहीं, वहाँ पर मखसूस क्वांटिटी नहीं है। आप गए हो सऊदीया कभी? गए हूँ सऊदीया। आपने पी है शराब? नहीं पी। आपने देखा है वहाँ पर? देखा है। क्या देखा? यही के शराब वगैरह हर चीज वहाँ पर खुलेआम चल रही है। आपको वहाँ शरीयत मिली? जो वहाँ पर क्राइम करता है उसको वो सजा देते हैं शरीयत के मुताबिक? वो देते हैं, जैसे मतलब चोरी करना ये वो ये चीज काटते हैं ना, हाथ काटते हैं। सर तन से जुदा भी होता है ना वहाँ पर? होता है वहाँ पर। रिसेंटली रिसेंटली वहाँ उनके ही एक लड़का था, वो भी फेमस यूट्यूबर था। उसको उसका कर, हाँ उसका कर दिया। हाँ उन्होंने बहुत पैसे देने की भी कोशिश की, हर चीज उनके कबीले में भी गए, लेकिन उसका भी बेहयाई। ये बेहयाई नहीं है। हम हज उमरा करने जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, ये सही है कि उन्होंने एक जगह पे बनाया, ये नहीं कि उन्होंने हर जगह पे ओपन कर दिया। उन्होंने सऊदीया की एक जगह महसूस की है कि वहाँ पर होना है सिर्फ, वही ना। बेहयाई इसमें कहाँ से आ गई? देखे वो इसी पॉलिसीज के तहत दुनिया में उनका एक नाम बन रहा है। 59 कंट्रीज ने एवी नहीं वीजा फ्री एंट्री उनके लिए कर दी। वो तो उनके पासपोर्ट की वैल्यू बन गई है ना। अब जैसे ये जापान है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, वो भी जा सकते हैं हर जगह। अब यूएई के भी पासपोर्ट की वैल्यू है, वो अमेरिका किसी भी मुल्क में बगैर वीजे के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लोग तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो लोगों का काम ही क्रिटिसाइज़ करना है। हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ कि लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना। अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे, कितने लोग होंगे जो क्रिटिसाइज़ करेंगे, कितने लोग होंगे जो मोटिवेट करेंगे, तो ये तो चलता है, ये तो चलता है। सऊदीया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो दुनिया को भा रही हैं? देखा डिफिकल्ट सवाल। ये कट कर देना। डिफिकल्ट सवाल है, मुझे क्या पता कौन सी पॉलिसी है। पाकिस्तानी हो ना? हाँ पाकिस्तानी हूँ। न्यूज़ देखती हो कि नहीं? नहीं मुझे पॉलिटिक्स। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो सऊदी अरब के अंदर औरतों को हकूक नहीं मिलते, तो सुन लो ना अब। सऊदीया के अंदर औरतों को हकूक नहीं मिलते थे, वहाँ औरतें अपनी मर्जी से अबाया पहनने पहने, नहीं पहनना ना पहने, ठीक है। वहाँ फैशन शोज भी हो रहे हैं, वहाँ औरतों को मेल डोमिनेटेड जॉब्स भी करवाई जा रही है, आधी रात को भी औरतें वहाँ जॉब्स कर सकती है, वहाँ पर सिनेमाज भी खुल गए हैं, वहाँ पर हर तरह के कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं। क्या कहते हो आप? तो यहाँ पे क्या नहीं होता पाकिस्तान में? यहाँ पे हर चीज़ हो रही है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। प्रोमिनेंट ये है तो सब कुछ यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी हर चीज़ होती है। औरतें रात तक काम करती हैं, सिनेमाज ये वो सब कुछ करती हैं, तो यहाँ पे भी तो सब कुछ हो रहा है। बस ये है कि जो चीज़ सामने आ जाए वो सबको दिखाई देती है, जो नहीं आती उस पर कोई बात नहीं करती। की नज़र में सऊदीया सही जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ औरतों को मतलब आज़ादी दी जा रही है या ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है? जो आप पीछे से बोल रही है, आजे आप बोल दो, आपकी दोस्त तो आ नहीं रही अंदर। पता है क्या मतलब, मैं तो कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम इंसान को बस चलना चाहिए। अगर वो लोग जो हैं मतलब अगर कर रहे हैं कुछ वुमेन्स राइट्स पे कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि कहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे मार्च पास होती है, वुमेन्स को राइट्स नहीं देते, कहाँ नहीं दिए जाते मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं खुद वुमेन हूँ, मिलते हैं राइट्स। रात को घर से अकेले निकल सकते हो बाहर? बिल्कुल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। किसी को साथ नहीं लेके जाना, ना लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप मर्दों में निकल रहे हैं तो आप मर्द बन के निकले ना। क्यों ये चीज? वेरी गुड। आप औरत बन के क्यों निकल रही हैं? पता क्या, यहाँ औरत को ना वीक खुद करवाया जाता है, औरत बनती है और वो चाहती है कि मैं नाजुक बनूं, लोगों को लगे कि मैं बहुत नाजुक कली हूं। क्यों आप मर्दों में जा रहे हो, 100 बंदों में काम करो तो मर्द बन के काम करो ना, फिर मैं देखूंगी कौन कैसे आप पे बात करता। अगर कोई मर्द बदतमीजी कर दे, रेप कर दे, तो
तो दो चुपेड़े लगाओ, अल्लाह ने हाथ किस लिए दिए हैं। और मैं तो कहती हूँ वुमेन को डिफेंस आना चाहिए, हर बच्ची को जिमनास्टिक सीखना चाहिए और अपने डिफेंस में उसको लड़ना आना चाहिए, ताकि वो जो है अपने डिफेंस में कुछ कर सके। हमारी हर बच्ची को आगे आना चाहिए और ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ लड़की पैदा होती है उसको स्कूल बाद में भेजें, आप पहले उसको डिफेंस सिखाएं कि अपने खिलाफ आपने कैसे लोगों से लड़ना। आपको क्या लगता है? मुझे भी सेम ऐसा ही लगता है कि लड़की को ना मर्द बन के ही जिंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी मर्द ही, मेरे क्या मर्द हो जी। ऐसी बातें ऑन द कैमरा नहीं बताई जाती। ये तीन गोलगप्पे खा के रही है अभी पीछे से। अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे राइट्स मिल रहे हैं यहाँ। तो मिल रहे हैं ना, राइट्स क्या है। बिल्कुल राइट्स मिल रहे हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वुमेन राइट्स, मैं वुमेन हूँ तो मुझे राइट्स मिले, मिल रहे हैं। हम लोग जॉब्स करें हर चीज़ में, लड़की आगे तो है और क्या चाहिए लड़की। लेकिन जो जॉब्स के अंदर रहकर हैरेसमेंट होती है उसके बारे में आप क्या कहोगे? जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं उसके बारे में आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के लिए भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? मैं आपको वही तो कह रही हूँ, अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी कि आप जो है उन लोगों को बताएं ना। माँ बाप उनके खिलाफ अगेंस्ट खड़े नहीं होते, नहीं अगर हम इस केस को बोलेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। क्यों? देखिए ये चीज़ सऊदीया में कितनी अच्छी है, ये बहुत सी कंट्रीज में अच्छी है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसे होता है कि अगर बच्चियों के साथ या किसी के साथ भी इस तरह का कोई वाक्य पेश आता है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर ऐसे है कि किसी के साथ हो तो यहाँ पे आवाज नहीं उठाई जाती, वो कहते हैं इज्जत खराब होगी। क्या सऊदीया सही ट्रैक पर चल रहा है औरतों को आजादी देके अपने मुल्क में डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज लाकर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर मुतारिफ करवाकर? अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर वो सारी टेक्नोलॉजीज दे रहा है तो आई थिंक सो बहुत बेस्ट है कि वो वुमेन्स को जो है इतनी दे रहा है, आज़ादी दे रहा है कि वो उनके लिए काम आ रही हैं। बाकी क्योंकि जितना मुझे पता था वो तो यही था कि वहाँ पे अबाये में और ज़्यादातर हिजाब में होती हैं लड़कियाँ। उन्होंने कहा है औरतों की अपनी मर्ज़ी है, तो मर्जी है ना, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। एक बंदा अगर वो इस्लाम को फॉलो करना ही नहीं चाह रहा तो आप क्यों कहोगे कि उसको फॉलो करे? इस्लाम को फॉलो करने में सिर्फ पर्दा नहीं आता है, इस्लाम को फॉलो करने में बहुत सी चीज़ें आती है मेरी जान। तो बहुत सी चीज़ें आती है, तो अब देखें, अब मैं कहूँगी मैंने एकदम से चेंज लाना है, मैं सारे चेंज एकदम से नहीं ला सकती। कैटेगराइज करूँगी उनको कि पहले मैं ये चेंज लाऊंगी फिर मैं ये चेंज लाऊंगी। जैसे मैं हिजाब नहीं करती थी, मैंने अब हिजाब करना शुरू किया, आगे पर्दा करना शुरू करूँगी। मैं वही आपको कह रही हूँ कि कैटेगराइज करता है। इस्लाम बहुत वसी है, हम इस्लाम में आ ही नहीं सकते, हम बस कहने के मुस्लिम हैं, वरना हम लोग मतलब हम लोग वो चीज़ें इंप्लीमेंट अपने पे कर नहीं सकते जो इस्लाम में है। अगर इस्लाम में करने में कह रही हो कि सऊदीया इस्लाम से बाहर हो गया? नहीं, अब मुझे क्या पता कि बेसिकली मेरी बात सुने, आपने हिजाब किया हुआ है, वेरी गुड, मैंने हिजाब नहीं किया हुआ। अब आप अगर मुझे कहें आपको क्या पता मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं कितनी नहीं पढ़ी, मैं अल्लाह से कितना कनेक्टेड हूँ कितना कनेक्टेड नहीं हूँ, आप फिजिकल अपेरेंस को देखकर किसी के ईमान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली वो अल्लाह और आपका मैटर है, मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ। इन्वॉल्वमेंट अच्छी होती नहीं है कि मैं किसी को देख के जजमेंट करूँ कि भाई मुझे क्या पता अल्लाह के आगे वो कितना नेक है और मैं उसकी जगह कितनी बुरी हूँ। एक वक्त होता था जब सऊदीया इतना फेमस नहीं होता था, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के लिए वो फेमस होते थे, लेकिन अभी पूरी दुनिया में सऊदीया को बहुत अच्छी उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी है। क्या कहते हो आने वाले अरसे में क्या हमें सऊदीया से सबक सीखना चाहिए? हमें हर मुल्क से सबक सीखना चाहिए, नॉट जस्ट सऊदीया, हमें हर मुल्क से सबक सीखना चाहिए क्योंकि हम हर चीज में पीछे हैं। हाँ बिल्कुल है, आप देख में पीछे। सबसे पहले आपने रेपिस्ट की बात की ना, यहाँ पे रेपिस्ट का रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे एक लड़की अकेली जा रही है, अगर 10 मर्द पास से गुजरे उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसको प्रोटेक्ट करे। तो आप कह रही हो राइट्स बड़े ज्यादा है, अभी आप ये बोल रही हो? यार मेरा कहने का यह मतलब है लड़की को खुद को प्रोटेक्ट खुद करना आना चाहिए। डिपेंडेंट मत रहो कि वो थर्ड पर्सन उठकर आए और मेरी हेल्प करे और मुझे इन सबसे बचाए। क्यों आप खुद स्टैंड नहीं ले रहे तो कोई थर्ड पर्सन क्यों स्टैंड लेगा? मेरी बात करने का यही मकसद था कि लड़की को सबसे पहले खुद स्टैंड लेना आना चाहिए अपने लिए, फिर वो दूसरों से तवक्का करे कि अगला बंदा भी आगे स्टैंड लेगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट के हिसाब से तो वो बहुत आगे जा रहा है, जैसे कि हाल ही में उन्होंने ये न्योम सिटी वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी मुल्क तरक्की करता है, ठीक है, तो उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। हम तो कहते हैं कि न्योम सिटी वो बना रहे हैं हिंदुओं के लिए बना रहे हैं। नहीं नहीं, न्योम सिटी हिंदुओं के लिए तो नहीं है, ठीक है, उधर कोई भी बंदा किसी भी उसका रिलेशन हो किसी भी कंट्री से वो उधर सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। तो न्योम सिटी बेसिकली सऊदीया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए हज़ारों जॉब्स जो है उधर वो लगी हैं, हमारे जो हैं कोलीग्स हैं वो उधर गए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह सऊदीया में, और इंशाल्लाह मैं भी तकरीबन उधर ही जा रहा हूँ। उधर ही जा रहे हैं जी, अभी मैं आया हूँ कतर से।
तकरीबन चार तारीख को वापस आया हूँ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा अभी उधर न्योम सिटी में है। न्योम सिटी में आपका प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है वहाँ पे? वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएगा, मोहम्मद बिन सलमान का पता होगा आपको, मोहम्मद बिन सलमान से पहले सऊदीया की इतनी ठाठ नहीं थी पूरी दुनिया में। जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदीया को आगे बढ़ाया, वहाँ मॉडर्नाइजेशन की, वैसे वैसे सऊदीया आगे बढ़ता गया, इस बारे में क्या कहते हो आप? जी बिल्कुल, एक तो ये बात है, आपने बिल्कुल ठीक कही कि मोहम्मद शाह मोहम्मद बिन सलमान से पहले इतनी जो है वो उसकी ठाठ नहीं थी, ये डेवलपमेंट का बाद में आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मर्द कलंदर अगर मोहम्मद बिन फैसल जैसा, सलमान जैसा किसी कंट्री के पास हो, अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के पास भी हो, तो हमारा तकरीबन सऊदीया से ज़्यादा नाम होगा। मोहम्मद बिन सलमान जैसा लीडर अगर यहाँ हो? बिल्कुल, मोहम्मद बिन सलमान जैसा लीडर अगर यहाँ पे हो, ठीक है, वो देखें अल्लाह ताला ने हमें दिया था इमरान खान की सूरत में, लेकिन हमने कदर नहीं की, ठीक है। उन दोनों में फ़र्क नहीं, वो उधर बैठ के ललकारते थे अमेरिका को और ये इधर बैठ के ललकारते थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान में और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान के दौर में उन्होंने कहा 10 बजे के बाद औरत बाहर क्यों निकलती है, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि औरत को हर आज़ादी है, औरत रात को भी काम कर सकती है, मर्दों का कोई काम नहीं बनता, उनको छेड़े, सख्त कानून लागू किए, तो कैसे आप कंपेरिजन कर सकते हैं? जी ठीक है, मैं बात सिर्फ करना कर रहा हूँ अमेरिका को ललकारने की, ठीक है, उसने भी ललकारा था, इसने भी ललकारा था, और इस बात का सबूत दिया ना हम गुलाम कौम है ना वो सऊदीया गुलाम कौम है। दूसरी बात रही औरत के हवाले से, तो वो जो उन्होंने औरत को कहा था कि वो 10 बजे के बाहर भी बाहर निकल सकती है, तो नहीं निकल सकती नहीं। मोटरवे वाला वाकया हुआ था ना यहाँ पर लाहौर के अंदर, मोटरवे में एक औरत का अबाय में थी, वो गाड़ी में थी, तो कनपट्टी पर बंदूक रख के उसका रेप किया गया था, तब ये स्टेटमेंट आई थी कि बाहर ही क्यों निकलती हैं औरतें। वो देखें कि देखा जाएगा कि इसलिए उन्होंने किया था कि हमारे पाकिस्तान में ये वारदातें बढ़ रही थी। अगर शाह फैसल वाला कानून इधर हो, ठीक है, मैं देखता हूँ कौन मर्द जो है किसी औरत को टच करता है। वही तो कह रही हूँ ना कि देखें वो शरीयत कैसा उनका लॉ है वहाँ पर, कि वो तो चोरी करने वाले के हाथ काट देते हैं, कोई जना करे वो करे तो वो उसका कोड़े भी मारते हैं और सरतन से जुदा भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वही अगर इधर पाकिस्तान में लागू किया जाए, कोड़े मारे जाएं जिना करने वाले को, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएं, ठीक है, और कत्ल के बदले कत्ल किया जाए, उसका किसास लिया जाए, तो मेरे ख्याल से 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में तमाम जराइम का जो खात्मा हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से दुआ करो हैं कि वो इधर कानून नाफिज हो। सऊदीया मॉडर्नाइजेशन करके ठीक कर रहा है क्या? औरतों के हवाले से भी, हर हवाले से बात कर रही हूँ। देखें औरतों के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो हमारा एक मुकर्रम जगह है, ठीक है, और हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम जगह है, तो औरतों को इस तरह आज़ादी ना दी जाए जिस तरह दुबई में दी गई है। अगर औरतें वहाँ आके इस तरह बरहना घूमेंगी तो मेरे बरहना मतलब नंगी तो नहीं हो रही है वो वहाँ पर? देखें मक्का मुकर जहाँ पर हज उमरा करना है वहाँ पर शरीयत नाफिज है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपने कभी नोट किया कि उन्होंने वहाँ पर कोई अदलो बदल की हो शरीयत में? कभी नहीं की उन्होंने, वहाँ पर तो प्रॉपर वही हज उमरे वाला लिबास होता है ना, प्रॉपर उसी तरीके से हज और उमरा होता है। उन्होंने बाकी बोला है कि सऊदीया की जो विमेन है वो किसी तरह से पीछे ना रहे, क्योंकि सऊदीया की विमेन को गुलाम रखा जाता था। देखिए कभी भी उनको तलाक दे दी जाती थी, वो बेचारी बेघर हो जाती थी, उनके पास जॉब्स के राइट्स नहीं होते थे, उनको तो इवन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की सहूलत नहीं मिलती थी। अगर आप करें सऊदी वुमेन के हवाले से बात, तो वो जब उनको गुलाम रखा जाता था वो तकरीबन आज से 1400 साल कबल की बात है, ठीक है? नहीं नहीं, 1400 साल कबल की बात नहीं कर रही मैं, इसी यही कोई एक डेकेड पहले की बात कर रही हूँ। चले आप एक सदी पहले की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ 10-15 साल पहले नहीं 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 10-15 साल पहले की ये बात नहीं है, क्योंकि मैं मेरी अलहमदिल्ला क्वालिफिकेशन जो है वो एम ए अरेबिक है, ठीक है, मैं अरबी के हवाले से हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन 10 साल पहले की ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल पहले वाली की 10 साल पहले भी ये कल्चर था कि उधर औरतों को गुलाम रखा जाता था। मेरी बात सुने, अब आप भी एक पढ़े लिखे शख्स है, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, आपकी नज़र में औरतों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू ना करना, उनकी इकोनॉमिकली प्रेजेंस ना होना, उनका कोई स्टेटस ना होना, आपको लगता है कि ये ठीक था वहाँ पर? हाँ वो ठीक नहीं था, लेकिन उसके पीछे कोई खास रीज़न होगा, ठीक है? एग्जांपल क्या रीज़न हो सकता है? कि वो उधर की गवर्नमेंट अच्छे तरीके से जानती है कि वो क्या रीज़न होगा, ठीक है? अगर क्या लगता है, आपने बोला ना अच्छा रीज़न होगा, बात इस्लाम की जाए तो इस्लाम ने राइट दिया है, अगर निकाह है तो इसमें एक मर्द और दो औरतों की गवाही जायज़ है, ठीक है? ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के कायम काम होगी,
ठीक है। और दूसरी बात, अगर हाल ही की बात की जाए तो सऊदीया में जितनी औरतों को आजादी है ना, अब क्यों कह रही हूँ ना कि अब आजादी दी जा रही है, अब की बात कर रही है। मेरे ख्याल से जितनी अब सऊदीया में आजादी है ना, किसी कंट्री में भी नहीं है। ठीक है, उनका घर अलग होता है, ठीक है, जब शादी होती है उनका घर अलग होता है, उनके साथ कोई रहता नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं, जीती हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा एक माशरती निज़ाम है, जो अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी नाफिज हो जाए। जब शादी होती है तो बंदे के जहन में बड़े ख्यालात होते हैं, ठीक है, बड़े ऐसे ख्यालात होते हैं कि हम ऐसे लाइफ एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें जितने भी झगड़े बनते हैं, तलाक की वजह बनती है, वो ये चीज़ होती है कि ये मेरी नंद ने ये काम नहीं अच्छा किया, मेरी सास मुझे इस तरह कह रही थी, मेरा ससुर मुझे इस तरह कह रहा था। तो अगर जॉइंट फैमिली से हम थोड़ा सा हट जाएं, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो लोग अभी कहेंगे कि जी ये मुतशद्दद किस्म के लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती। हज़रत पाक ने फरमाया जो देवर है यासीन का सांप है, ठीक है, जब शरीयत ने हमें कहा कि देवर आसीन का सांप है, देवर अलग रहेगी, अलग रहेगा और बाकी जो भाभी है वो अलग रहेगी, ठीक है, और ससुर का भी पर्दा है, सबका पर्दा है, अगर पर्दा है तो उसको अलग रखा जाए। एक तो ये है कि मेरे ख्याल से 90% जो है झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपने भाभी और देवर का बताया ना, वहाँ पर अगर कोई औरत अलग से घर में अकेली भी रहना चाहे तो उसको वो भी अलाउ है, इतनी आज़ादी उन्होंने विमेन को दी है। वो मुतालबा करती हैं अपने शोहर से भी अलग रहने का मुतालबा करती हैं। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी आज़ाद सऊदीया में औरत है उतनी पूरी दुनिया में किसी, आपको लगता है हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है? देखें, वहाँ पर बहुत मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ पर शरीयत के साथ साथ वो लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम हमारे यहाँ के मौलवी मुल्ला उनको क्रिटिसाइज़ इतना ज़्यादा करते हैं तो कुछ सीख लें उनसे? जी, मौलवी मुल्ला क्रिटिसाइज नहीं उनको करते, ये गलत बात है। मेरा अपना जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात नहीं 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 रॉन्ग नंबर नहीं। आप इस निज़ाम में देख लें, ये लाहौर है, इसमें जितने भी मौलवी हैं उनको साइड पे कर लें, ठीक है, आप रॉन्ग नंबर जिनको बोल रही हैं उनको भी साइड पे कर लें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनमें से सिर्फ 5% का अपनी बीवियों के साथ झगड़ा होगा। जितनी मौलवी अपनी बीवियों को खुश रखते हैं दुनिया में कोई बंदा नहीं रखता है, चाहे वो पाकिस्तान है। चार चार पांच पांच शादियां की होती है, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है। आप जिस बंदे ने चार शादियां की हुई हैं उसकी चारों बीवियों से पूछ लें, ठीक है, वो चारों कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश हैं, ठीक है। आपको कैसे पता, आपने सर्वे किया है? जी बिल्कुल किया है, क्योंकि मेरा रिलेशन जो है वो तकरीबन उलमा से ही रहा, ठीक है, और मेरे अक्सर जो साजदा के नाम है उन्होंने दो दो तकरीबन की हुई हैं, और मैंने देखा है कि उन दोनों के साथ ही उनका बहुत अच्छा। दो दो शादियां की हुई हैं? जी जी। पहली वाली की मर्जी से की थी या खुद ही कर ली उन्होंने? जी, अभी जब मेरे एक उस्ताद से हाल ही में उन्होंने दूसरी शादी करनी थी लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा। शादी करनी थी दूसरी? मेरे उस्ताद हैं, ठीक है। आपके उस्तादों ने अगर दूसरी या तीसरी शादी की है, ठीक है, वो उनका अपना फेल है, वो जो भी कर रहे हैं, क्या पहले बीवियों की मर्जी से कर रहे हैं शादी या खुद ही कर रहे हैं कि हम मर्द हैं हम कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए शरीयत हमें इजाजत देती है कि आप बगैर पूछे कर लें। शरीयत आपको ये भी कहती है अपनी बीवी से तो पूछ लो पहले? नहीं, बीवी का इसमें मामला ही नहीं है। आप मुझे बुखारी, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा कोई भी रिवायत आप मुझे दिखा दें कि आपने औरत से पूछना है। शरीयत ऐसा कोई मर्द जो है वो इस हवाले से आज़ाद है, वो अपनी बीवी को पूछे बगैर शादी कर सकता है, ठीक है। बीवी को आपकी बात करी, यानी आप अपनी बीवी से पूछना भी पसंद नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ कि अपनी बीवी से ना पूछने वाला, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब हमें शरीयत इजाज़त देती है तो हमें एक बात है कि पूछने की इजाज़त नहीं, लेकिन साथ ये इस्लाम आपको औरत पर जुल्म का भी नहीं ना वो देता कि आप औरत का दिल दुखाओ, वो आपकी ज़ौजाए हयात है, वो आपकी गुलाम नहीं है जो आप कहोगे कि नहीं भाई हम इससे नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट सुने कि आप सिर्फ इतना सुनते हैं जबकि इस्लाम ये इजाज़त देता है दूसरी औरत से शादी करने को और बीवी की इजाज़त लेने के बगैर ही दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है, तो आप समझते हैं ये जुल्म है। साथ इस्लाम ये भी कह रहा होता है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, वो इंसाफ किस तरीके का है, कितना है कि आप एक औरत के घर सुरमा लगा गए हैं, दूसरी औरत के घर आप सुरमा लगाए बगैर नहीं जा सकते, इतना जो है वो इंसाफ करना पड़ेगा। तब अगर आप इतना इंसाफ कर सकते हैं तो तब इस्लाम इजाज़त देता है दूसरी शादी की, ठीक है, और अगर आप इतना इंसाफ कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बीवी नाखुश है फिर? जी, इसमें देखें कि शरीयत ने मुझे हक दिया दो शादी चार शादियां, ठीक है, आपको शरीयत ने हक दिया है जी। आप पर आपकी बीवी का भी तो कोई हक है ना, या आप अपनी बीवी का भी अपने पर हक नहीं समझते हो, बताओ? जी, मेरी बीवी का जो हक है मैं उस हक को, आपकी बीवी अगर ना खुश है आपकी दूसरी शादी से तो क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी कि जो दूसरी शादी को पसंद करे, ठीक है। फिर आप क्यों चाहते हैं दूसरी? आप एक बीवी से खुश नहीं है?
अच्छा नहीं, मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। अब आप ओस देखें इस दुनिया में कि लड़कियों की ज़्यादा या लड़कों की, ठीक है। और हर घर में तकरीबन लड़कियाँ ज़्यादा हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग रिश्तों की वजह से कितने परेशान हैं, बताएं मुझे। अच्छा, तो एक मर्द अब यहाँ पर दो 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 से शादी कर ले, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, दो अब मर्दों की तादाद ऐसा ऐसा और भी कम हो रही है, ठीक है। तो मर्दों की तादाद कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप शादियों पे शादियां करेंगे? इवन आपकी अगर बीवी इस चीज से नाराज है, आप फिर भी उसके सर पे सौतन लाकर बिठा देंगे? नहीं नहीं, बीवी हमारा जो, देखें हमारा जो पाकिस्तानी निज़ाम है, माशरती निज़ाम है, वो इस्लाम के एक तो मुताबिक नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तानी निज़ाम में आपने ला के बिठा देनी है, ठीक है, उसके साथ सौकन जो है ला के बिठा देनी है, तो उधर झगड़ा ही होगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं उन दोनों को एक ही घर में रखें, एक ही घर में रखेंगे, एक को ज़्यादा पैसे देंगे, एक को कम देंगे, तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे ना। जब आप इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपनी दूसरी बीवी को ले कर आएँगे, ठीक है, शरीयत के मुताबिक रखेंगे, मेरे ख्याल से किसी औरत को इतराज़ भी नहीं होगा और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई जुल्म भी नहीं होगा। इस्लाम कहता है कि एक औरत इस घर में है, जैसे जूरपा की औरतें थी, ठीक है, 11 बीवियाँ थी, ठीक है, तो 11 मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ जगहों पर थी, कोई भी दो एक साथ नहीं रहती थी, ठीक है। ये आपकी राय है, हमारी आवाम को आपके रिव्यूज़ कैसे लगे? थैंक यू सो मच, वो पता लग जाएगा, थैंक यू। तो ये कहती हूँ कि औरत आज़ाद नहीं है, जो वो लड़के ने बात की है ना, आज़ाद है उधर की, आज़ाद नहीं है। हमारी जो औरतें बाहर आती, वो इतना चश्मा लगाया होता है, इन्ना नकाब, मतलब पूरा बुरखा पाया होता है। साड़ियाँ जिन्नी अद्धी फैमिली उधर बाहर रहती है ना, वो यानी इस तरह की नहीं है, वो अपनी अज ये बैतुल्ला ग्रुप चलती है, ग्रुप ची जाती है सऊदीया में। सऊदीया में आपकी फैमिली वहाँ रहती है या वहाँ विजिट करने जाते हैं? विजिट भी है, लेकिन वहाँ रहते भी है, कारोबार भी उन्होंने अपने, कि अपनी मर्जी है ना। अगर वो अबाया कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने तो औरतों को आज़ादी दी है। नहीं, मैं उन्होंने की है ना, वो लड़के की बात कर रही है ना, वो आज़ाद है, मैं जात की बात करती हूँ, वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद नहीं, वो औरतें हैं उधर की, औरतें नहीं आज़ाद। वो आपकी नज़र में औरतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरी पिटीशन ये है कि औरत सिर पे दुपट्टा होना चाहिए, नकाब करके टुरना चाहिए, भावे चाहे शहर की हो, चाहे अपने घर की इज्जत आ रही हो। जो नहीं करती वो, वो तो अल्लाह उससे पूछे, लेकिन वो गलत औरत है, मैं तो कहनी है, क्यों, जो साढ़े सलाम ने फरमाया ना। मेरी बात सुने, अब आप एक औरत को कहें इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, ये गलत औरत है, ये आप कैसे कह सकती हो किसी को? एक मिनट सुने, बुरा मान जाती है, बुरा मान जाती, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को दुपट्टे की बेसिस पे जज करो। कहती नहीं है, मुझे पता है माशरा ही ऐसा है, वो नहीं किसी की मानता तो कब क्यों कहे। माशरे को आप अलग रखें, आपका कोई राइट नहीं बनता। अब देखें यहाँ पर जिन्होंने बुरखा पहना होता है वो दो नंबर काम भी कर रही होती हैं, तो देखें बुरखा या देखें इस्लाम में है बुरखा वगैरह, मैं अपोज नहीं करी, मैं ये कह रही हूँ कि जो बुरखा है ना वो आपके अंदर के किरदार को नहीं छुपा सकता। अगर आपके अंदर बुराई है उसको कैसे रोकेगा बुरखा? ये तो ये आप सही कह रहे हैं, अंदर से भी तो दुरुस्त होना पड़ेगा ना। आप अल्लाह से कितना कनेक्टेड हो, ये मैं और अल्लाह के दरमियान की बात है। पट्टी बिरादरी है ना, हम अपनी बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं करते। ये बताएं, आपने बोला वो गंदी औरतें होती है, मैं यहाँ सड़क पे खड़ी हूँ, मेरे गले में दुपट्टा है, मैं गंदी औरत हूँ? नहीं, आपका तो ये शोभा है, आप मेरे घर से हकीकत हमारे भी जिसम से भी ज़्यादा आप पाक हो, लेकिन ये बात कर रहे हैं आप, सब एक जैसी तो नहीं होती। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, 100 च 5 बैठिया होंगे या 10 बैठिया होंगे, तो 6 तो बैठिया होती ने। मैं अक्सर, मैनू 27 साल हो गए लाहौर चाई नूँ, लोगों के घर मेहनत कर दी, हस्पताल च लगी नूँ, थाणिया के फौजियों दिया रोटियां पका दी नूँ, मैं अज तक ये बात तस्लीम करती हूँ। जो जे 10 है ने ना औरतां, विचों 5 औरतां नाकाम भी है ने, तो गलत है आप कह रही हो? मैं ये अगर 10 औरतें उनमें से 5 गलत औरतें, आप ये कह रही हो 5 कामयाब है? क्यों, आप तो जो आपको देख कर बात नहीं कर रही, क्यों, आप अपनी रोजी कमा रही हो, अपनी मेहनत कर रही हो, मैंने मुझे क्या लगे आपके साथ? मैं वैसे करनी है कि लाहौर में बड़ा माशरा मैंने देखा है, बुढ़ी तो बुढ़ी औरत है, वो फ्राक पहनी होती है, पजामे पहने होते हैं, वो सर पे दुपट्टे रखे होते हैं, चश्मा यहाँ रखे होता है, उनकी अपनी मर्जी है ना, आप किसी को कैसे जज कर सकते? हम गाँव के रहने वाले हैं ना, इसलिए गाँव के माहौल में और शहर के माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है। बस आप ये नहीं कह सकते ना कि जिन्होंने दुपट्टा नहीं लिया वो है ही गलत औरतें या उनका किरदार खराब है, ये वो नहीं, ये हमारे पास ये राइट नहीं है बोलने का। मेरे सर, हम तो यही बात कर रहे हैं ना, हम किसी को कहते ही नहीं। तो सऊदीया में, सऊदीया के अंदर की जो औरत है, अब वो औरतें भी ऐसे ही आजाद है? बस मेरी जो भाभी आती है ना, वो आती है जाती, जैसे हमने देखा वैसे ही हमने बात की है। क्यों, हमारे सऊदीया सही कर रहा है आजादी देके?
नहीं वो मुझे नहीं पता अंदर को लगता है सही कर रहा है या नहीं। मेरी बात सुनो, अंदर की बात हम नहीं जानते। मैं आज भी कहती हूँ कल भी कहती हूँ, अंदर की बात नहीं। आपको क्या पता मैं यहाँ पे जाना है, मैंने क्या लेने जाना है या की करना है, वो मेरे रब को पता है। मेरी एक बेटी बाँच हो चुकी है लता, तो मैं उसकी खातर इसकी वालदा की खातर सिर्फ पैसे मांगने जा रही हूँ कोठियों में। मैंने मुझे किसी का नहीं, वो ना दोनों टांके ए मुंडे पीछे आ गई, मगज़र आम दी हड्डी टूट गई, उधर नाड़ मारी गई, पेशाब मैंने हाथ से कराती हूँ। आपको क्या पता मेरा क्या मसला है। जब मेरा एक भी कमाने वाला होता ना आज मैं सड़कों पे धक्के ना खाती। आपको नहीं पता मेरा क्या मसला है। जो एक बेटे शादी की थी वो अपने बच्चे संभाले गए ना। मैं अगर आपकी शक्ल देखकर आपको जज कर लेती कितनी बुरी बात थी। मुझे अंदर की बात नहीं पता कि आप क्यों तस्वीर ने मेरी बेटी दिया अंधिया ने मेरे को सारा सबूत। अगर मेरे को सबूत आया तो लोगों के बुआ तो मेरे घर पता लैन वास्ते भी आए ने। उन्होंने हूँ मैंने कहा तुम आओ मैं तेरे तामल करनी है। मैं सिर्फ अपनी बेटी और अनवासी वास्ते जा रही हूँ। अगो एक लत छोटी हो गई, दो महीने हुए ने पीका बिल्कुल ऊपर चढ़ गई। लोगों ने आके ये तो खंबे के साथ मार देती ना। मेरी बेटी आपकी जैसी ये थी, 27 साल उम्र, सभा उसका नाम है, वो लत्ता से बांच हो गई है। लत्ता दो में मैं खराब हो, 2.5 लाख रुपया लाया अस्पताल ने अपने पल्लों में लाया है। मैं नहीं दे सकती, मैं बड़ी गरीब औरत हाँ। मेरे को तो एक आँखों ना मैं पानी पीने वास्ते भी 1 रुपया नहीं है। हम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है रोटी देता है हमें, किसी का क्या पता है उसकी क्या मजबूरी होएगी। वो औरतें कैसे आती है कैसे जाती है ये अल्लाह की ज़ात को पता, मुझे नहीं पता। मैं तो वैसे ही ये बात करती हूँ, हम पेंडू है ना, हम पेंडू बात कर देते हैं, लेकिन आप सोचते समझते नहीं है कि ये दुपट्टा लत्था है या नहीं लत्था, ये बात है। हाँ जी अल्लाह मैं इन गल।